ओके नाउ गाइस, ये मेरे को बहुत जगह रिक्वेस्ट आया कि भाई प्लीज़ ये रीजन स्प्लिट एंड मर्ज का ये वाला सब मेरे को समझ रहा नहीं, क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, ये ना समझी थोड़ा अलग है, ये समझी अलग है। क्या बोलता है, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है तेरे को कि इफ़ रीजन हैविंग डिफरेंट सेट्स देन डिवाइड इट इंटू क्वाड। क्वाड मतलब क्या होता है, चार पार्ट में डिवाइड करना। अगर रीजन का सबसे पहले ये चीज़ याद रखो, ये शेडिंग और अनशेडिंग का है। तुमको नंबर और नंबरिंग का आएगा ना, तो मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर किया है रीजन स्प्लिट एंड मर्ज का, वो चैनल रिफर कर लो ना, उसमें से देख लेना। फिलहाल मैं ये सब से फोकस कर रहा हूँ और ये कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा इस अब भी बताने के लिए, तभी भी स्टिल आई एम ट्राइंग। चलो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर दिख रहा है एक वाइट है एक ब्लैक पोर्शन है, एक वाइट है ब्लैक पोर्शन है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बरोबर। जब मैं चार पार्ट में डिवाइड करता तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है ये ऑड टर्म है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 को कैसे डिवाइड करूँ यार मैं, 11 को ये भी 11 है, अब 11 को डिवाइड कैसे करूँ, बीच में से थोड़ी ना कर सकता। तो एक चीज़ कंसेप्ट याद रखना, कभी भी स्प्लिट करना है ना, अगर चार क्वाड्रेंट करना है ना, तो ये 2x2, ये भी 2x2, ये भी 2x2 और ये भी 2x2 होना चाहिए। चलो अगर नहीं हुआ तो ये कितना हो चाहिए, 4x4, 4x4, ये कितना हो चाहिए, 4x4, 4x4, ठीक है। अगर ये भी इससे नहीं हुआ तो ये क्या आएगा, 8x8, 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 अच्छा ये भी नहीं हुआ तो 16x16, 16x16। ओके यहाँ पर फिलहाल ये सम्स में मेरे को क्या लग रहा है, 11x11 है, बरोबर है। अब मैं 11x11 है मतलब इसको मैं बीच में से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर 4x4 का तो बना नहीं सकता, 8x8 का बना सकता हूँ क्या, एक डब्बा 8x8 का, लेकिन यहाँ से यहाँ पर है नहीं, तो ये डू वन टिंग ना, जीरो पैड करो, जीरो पैड मतलब अपने मन से एक ऐड करो टेबल। यहाँ पर मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर 11 था ना, 12 13 14 15 16 16 इतना एक्सटेंड कर दिया। ओके फिर यहाँ पर नीचे से ऐड कर दिया मैंने, ये 11 है ना, 12 13 14 15 16 16 ऐड कर दिया, इतना क्लियर हुआ। फिलहाल इतना, ये मत देखो कि ये है क्या, डन। गाइज अगेन सेइंग कि वो वीडियोस देख लो ना, वो नंबर का कैसा स्प्लिट किया उसके बाद ही ये देखो तुम लोग। सबसे पहले ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर फिलहाल इतना याद रखो, ये 11 है तो मेरे को एक बॉक्स में 8x8 करना है। यहाँ पर 8x8 इतना मुझे अभी तक क्लियर हो गया कि 8x8। ओके क्या मालूम पड़ा, मैंने रीजन को स्प्लिट किया, एक का नाम R1 दिया, एक का नाम R2 दिया, एक का नाम R3 दिया, एक का नाम R4 दिया। बस सिंपल बोलूँगा तो ये मिला मेरे को, R1 R2 R3 R4 बस। ओके फिर मैं R1 में देख रहा हूँ, यहाँ पर अलग शेड दिख रहा है क्या, नहीं यार नहीं दिख रहा यहाँ पर। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इफ़ R1 हैविंग द सेम शेड, यहाँ पर क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, R1 region having the same region that is all are unshaded, therefore R1 will not going to split further. R1 को स्प्लिट नहीं करना है तुमको, R1 को स्प्लिट नहीं करना है। सिमिलरली R4 region having the same region all are unshaded, R4 will also not split further. ये इसको भी स्प्लिट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको, ये अभी मत देखो, दिख रहा है एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये R2 region में एक shaded दिख रहा है, unshaded दिख रहा है। बट R2 हैविंग द डिफरेंट रीजन दैट इज शेडेड प्लस अनशेडेड, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी स्प्लिट, बरोबर है। ऑल्सो R3 में भी देख रहा हूँ, R3 देख रहा हूँ ना, R3 में ये देखो व्हाइट 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 व्हाइट, और अगेन यहाँ पर क्या दिखा, ब्लैक। तो मैं बोलूँगा शेडेड और अनशेडेड, तो इसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया। चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद मतलब क्या मालूम पड़ा कि ये जो ये था ना, ये R2 था ना, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया, क्लियर है, चार टू इतना क्लियर हुआ। तो इसका नाम दिया R21, R22, R23, R24। ओके अगेन इसको भी चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका क्या नाम होगा, R31, R32, R33, R34, डन। ओके ये बॉक्स याद रखना, ये कितने का, ये कितने बार कितने का था, पहले 8x8 का था ना, अभी कितने क्रॉस का है, 4x4 का है, बरोबर है। इतना क्लियर हो, मतलब ये 4x4 है। ओके अभी यहाँ पर 4x4 में मैं देख रहा हूँ, 4x4 में ये कौन सा रीजन है, यहाँ पर नोट करना, 4x4 मतलब इतना होता है ना। ओके R21 क्या ये अगेन स्प्लिट हो सकता है, हाँ शेडेड अनशेडेड दोनों है ना यार, शेडेड अनशेडेड दोनों, तो R21 भी अगेन स्प्लिट होगा। अब 4x4 का था, ये 2x2 का हो गया, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। R21 मतलब क्या हो जाएगा, R211, R212, R213, R214। ओके अगेन इसमें देखता हूँ, ये 4x4 का है ना, 4x4 का, चलो यहाँ पर देखता हूँ, इसमें भी शेडेड अनशेडेड दोनों, तो इसको भी स्प्लिट करना है। इसको भी स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, देखो R24 लिखने का, आगे 1 लिखने का, 2 लिखने का, 3 लिखने का, 4 लिखने का, इतना क्लियर है। ओके R22 में देखते हैं, अच्छा यहाँ पर तो भाई 4x4 में दिख तो रहा है लेकिन शेडेड नहीं है, मतलब सब अनशेडेड है, तो इसको स्प्लिट नहीं करना है। R23 में सब अनशेडेड है, मतलब इसको स्प्लिट नहीं करना, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ, R31 मतलब 4x4 है, 4x4 में क्या दिख रहा है, शेडेड अनशेडेड दोनों है, तो इसको स्प्लिट करोगे, इसको स्प्लिट किया तो कैसा करेगा ये, R311, R312, R313, R314, ठीक है। आगे कुछ है क्या, अच्छा ये वाले रीजन को देखो, 4x4 नहीं, सब अनशेडेड है,
इसमें देखो सब अनसेटेड मतलब मेरे को इतना तो क्लियर हो गया कि ये क्या हुआ। अभी भी ये जो मेरे को फाइनल डब्बा मिला ना यार, फाइनल डब्बा मिला 2x2 का मिला मेरे को, कब तक जाने का 1x1 में। अभी भी मैं देखूंगा ये जो R21 है ना यार, ये R21 है ना, क्या शेडेड अनशेडेड होने क्या इसमें, शेडेड अनशेडेड होने अगेन इसको स्प्लिट करने का। ये अब 1x1 हो गया, मतलब मेरा फाइनल आंसर ये जो दिख रहा है R21 अगेन स्प्लिट होगा, R211, R21112, R2113, R214। अभी R12 देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ये, इतना क्लियर हो गया पूरा एकदम अच्छे से, बराबर है। चलो अभी यहाँ पर ये भी डब्बा देख लो, इसमें भी शेडेड अनशेडेड दोनों है, ये भी डब्बा देख लो, मतलब ये भी स्प्लिट होने वाला है, ये भी स्प्लिट होने वाला है, इतना तो क्लियर हो गया अपने को। ओके सेम इसको भी देखो, शेडेड अनशेडेड दोनों है ना, तो इसको भी अगेन क्या करोगे तुम, R311, R312, इतना क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब यहाँ तक तो मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब डायरेक्टली ये टेबल, इसको बोलते हैं क्वाड ट्री बोलते हैं, ये क्वाड ट्री सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ये इजी सॉल्यूशन का है और ये मेरा है, कुछ नहीं यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर बराबर है, आंसर सेम है। इसका जो देख रहे हो ये कंसेप्ट गलत किया है इसने, कहीं पर भी उसने जीरो पैडिंग किया, लेकिन हमने जो कहीं से किया है बॉटम साइड और लेफ्ट साइड जीरो पैडिंग किया। चलो इमेजिन करो, इमेजिन करो क्या किया था, इमेजिन करो यहाँ पर से। चलो सबसे पहले एक आर था, आर को चार रीजन में कन्वर्ट किया, R1, R2, R3, R4 चलेगा, R1, R2, R3, R4। फिर क्या हुआ, R1 को स्प्लिट किया गया फर्दर, नहीं उसको एज इट इज छोड़ा। R2 को देखो चार पार्ट में किया था, याद आ रहा है R2 को चार पार्ट में किया था, तो नाम क्या दिया, R21, R22, R23, R24। ठीक है इसका हो गया। अब R3 को भी डिवाइड किया था क्या, हाँ R3 को डिवाइड किया था, R31, R32, R33, R34। क्लियर है इतना, ओके डन। नाउ अभी मैंने देखा कि ये जो R21 है ना, उसको भी अगेन मैंने स्प्लिट किया था, R21 को अगेन स्प्लिट किया था किस में, R211, R212, R213, R214। इतना क्लियर हो गया, ओके। अगेन मैंने देखा था कि ये जो R24 है ना, उसको भी मैंने स्प्लिट किया था, समझ रहे है? तो R241, R242, R243, R244। इतना क्लियर हो गया। ना अभी मैं R3 रीजन में देखा, R3 रीजन में मेरे को इतना मालूम पड़ा कि सिर्फ मैंने R31 को ही स्प्लिट किया, क्या आएगा, R311, R312, R313, R314। ठीक है ओके। इसके बाद अगेन मैंने देखा ये क्या बना था, 2x2 ना, इसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया था, इसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया था। ये R21 दिख रहा है, R211, इसको भी मैंने किस में कर दिया, अगेन चार में डिवाइड कर दिया, R214 में अगेन चार में डिवाइड कर दिया। तुम अगर एक बार प्रैक्टिस करो तो अच्छे से आ जाएगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा वीडियोस देख के, एक बार खुद से ट्राई करो।